आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयरटेल का जो नंबर है उस पे होलोटीन सेट कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि केवल जियो में कॉलोटीन होलोटीन सेट होता है, ऐसा नहीं है। एयरटेल के नंबर पे भी आप होलोटीन सेट कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका अगर एयरटेल का नंबर है, आप उस नंबर पे आसानी से होलोटीन सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एयरटेल नंबर पर हेलोटीन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से विंक म्यूजिक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, अलाउ कर देना है इसको। आपको इसको भी अलाउ कर देना है। इसके बाद जो आपका रजिस्टर मोबाइल होगा इसमें ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लैंग्वेज को सेट कर लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 लैंग्वेज को। इसके बाद चलिए हम हिंदी को सेलेक्ट कर लिए, हरियाणवी, भोजपुरी सेलेक्ट कर लिए, पंजाबी। इसके बाद नीचे आपको डाउन पर क्लिक कर देना है। डाउन पर क्लिक करने के बाद अभी ये ओपन हो रहा है, कुछ इस तरह का बता रहे, इंजॉय फ्री अनलिमिटेड होलोटीन एंड सॉन्ग चेंज। बोल रहा है कि आप कभी भी सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, अनलिमिटेड होलोटीन लगा सकते हैं। चलिए होलोटीन कैसे सेट किया जाता है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। यहाँ ट्रेंडिंग नियर यू चल रहा है, यहाँ लेटेस्ट हिंदी चल रहा है, यहाँ पर हिंदी टॉप 5 चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंडिंग इन हिंदी में चल रहा है। ये हिंदी का प्लेलिस्ट है, ये हिंदी का एल्बम है, एडिटर टॉप एल्बम। अब मान लीजिए आपको होलोटिन सेट करना है, तो यहाँ से आप जो भी सॉन्ग के होलोटिन सेट करना चाहते हैं, यहाँ सर्च बार में है, सर्च करके आप सॉन्ग का कोई भी, अगर मान लीजिए आपको सॉन्ग याद याद आ रहा है, उस सॉन्ग का नेम लिख दीजिए। नेम लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए एक सॉन्ग मान लीजिए, हम ये सॉन्ग लिखें तो हमको ये सॉन्ग सर्च में मिला है, सर्च रिजल्ट में। अब इसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, होलोटीन वाले आइकन पे, यहाँ पर होलोटीन वाला आइकन पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप प्रीव्यू सुन लीजिए। प्रीव्यू सुना रहा है, जबकि आप होलोटीन सेट कीजिएगा तो यही होलोटीन प्रीव्यू में आपको यही सेट होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं दूसरा कोई होलोटीन सेट करना, मान लीजिए आप दूसरा कोई होलोटीन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर रिकमेंडेड में भी सेट कर सकते हैं। इसके चलिए ये हिंदी सॉन्ग है, इसको अगर हमको हिंदी सेट करना है, होलोटीन सेट करना है, तो उस सॉन्ग पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे होलोटीन लिखा हुआ है, यहाँ नीचे। इसके बाद आप जिस भी सॉन्ग को होलोटीन सेट करना चाहते हैं उसका प्रीव्यू सुन लीजिए पहले। अब इसके बाद प्रीव्यू सुनने में एक्टिव फॉर फ्री पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक्टिव फॉर फ्री है यहाँ पर। इसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि 28 नवंबर तक जो है यह आपका होलोटीन फ्री में एक्सटेंड हो गया है। अब इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आप जब चाहें तब होलोटीन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप विंक म्यूजिक ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा तब भी चलता रहेगा। आप जो होलोटीन सेट किए हैं इस उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये होलोटीन आप सेट किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इस होलोटीन को बंद करना तो आपको यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप होलोटीन पर कर दीजिएगा तो आप होलोटीन को स्टेप रोक दीजिएगा, आपका होलोटीन जो है नहीं प्ले होगा। आप इस तरीके से आपका अगर एयरटेल का नंबर है, आसानी से उस नंबर पे आप हेलोटीन सेट कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें।